Hi guys, I'm back with another unboxing video. अभी मैं थोड़ी देर में चेंज करूँगा और हम जाएंगे मॉल रोड में, कंप्यूटर मार्केट है वहाँ पर. हम कुछ आइटम्स कंप्यूटर से रिलेटेड बाय करेंगे. फॉर एग्जांपल पोर्टेबल ड्राइव होंगी, यूएसबी होगी और डिफरेंट आइटम्स. लेट्स गो. तो ये वेस्टर्न डिजिटल की 1 TB माय पासपोर्ट, ये आपने बता दी 8000 कितने की. अच्छा, वो बाद में रियायत वगैरह भी करेगी, क्योंकि मैं एक साथ चीज़ें ले रहा हूँ ना आपसे. नहीं, वो इंशाल्लाह आप करेंगे. जो मिनिमम रेट दे रहा हूँ ना भाई को, कैश वाला रेट समझो कि मार्केट से रेट नहीं मिलेगा आपको जो मैं रेट दे रहा हूँ. और ये WD एलिमेंट्स, ये उसकी वो है केसिंग बोलते हैं ना वो, हाँ, एक्सटर्नल केस, पोर्टेबल इंटरनल ड्राइव को एक्सटर्नल बनाने के लिए, पोर्टेबल बनाने के लिए. जी जी जी. अच्छा, वो 64 GB की ना स्कैन डिस्क में चाहिए मुझे, 3.0. ठीक है, ये स्कैन डिस्क में आ गई 64 GB और ब्लू है. सही है, एक मुझे ये चाहिए थी, एक ये हो गई. इसका तो मैं खैर सोच रहा हूँ कि मैं ये भी ले लूँ साथ में. अच्छा, रैम होती है आपके पास लैपटॉप वगैरह के लिए? रैम कितनी कैपेसिटी में चाहिए? कौन सी? मुझे 8 GB की चाहिए. ठीक है, तो ये USB हब 3.0 का, 5 GBPS स्पीड, और इसमें टोटल 4 पोर्ट्स है, 1 2 3 4. ठीक है, ये मुझे ना दो चाहिए थे, दो एक और भी बाय रख दें. एक ये USB 64 GB, दो हब ले लिए हैं, ये ड्राइव होगी और एक ये, और वो रैम मैंने दो हब ले लिए हैं. DDR3 16 MHz और 204 pin लैपटॉप की रैम है, i7 की 4500. और हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की है, जो कि आपको मैंने मार्केट में उस शॉप में दिखाई भी है. नाउ वी गोइंग टू अनबॉक्स दोज आइटम्स. सो फर्स्ट ऑफ गाइस, आई परचेज दिस गोरिल्ला स्टैंड. तो ये गाइस गोरिल्ला स्टैंड व्लॉगिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है. वैसे मेरे पास ट्राईपॉड स्टैंड है एक, लेकिन दिस इज़ कॉल्ड गोरिल्ला स्टैंड, जिसको आप किसी भी डायरेक्शन में कर्व करते हैं अकॉर्डिंगली. और इसके ऊपर ये, इसके ऊपर आप माउंट कर सकते हैं DSLR को भी. और इसको अगर आप यहाँ से उतार दें तो ये फिट हो जाएगा इस पर. और ये है मोबाइल स्मार्टफोन के लिए माउंट. सो यू कैन यूज़ योर स्मार्टफोन विद दिस गोरिल्ला स्टैंड. और ये 500 rupees का लिया मैंने, 550 rupees वो मांग रहे थे, बट 500 का लिया. एंड गाइस, आई हैव गॉट दीज टू USB हब पोर्ट्स, USB 3.0 के ये मैंने दो लिए हैं.
क्लोज़र लुक इसका ही है। और इसकी प्राइस जो है वो मैं आपको बताऊँ, 450 रुपीज़ का ये एक है बॉक्स और मैंने दो लिए यहाँ पे, सो 900 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है। बिल की भी मैंने आपको वीडियो कैप्चर करके दिखाई थी, उसमें भी ये कॉस्ट शो हो रही थी। और अगेन अनबॉक्स इट नाउ। तो ये है वो यूएसबी हब, इसमें फोर पोर्ट्स हैं। आई हैव गॉट फोर पोर्ट्स जो कि यूएसबी 3.0 की सुपर फास्ट हाई स्पीड पोर्ट्स हैं। और इसके यहाँ पे यू कैन सी द कलर, इट इज़ ब्लू, सो यू कैन सी द कलर, इट्स ब्लू USB 3.0। और मेरे पास ये दो बॉक्सेस हैं। एंड गाइस आई हैव बॉट दिस 64GB USB, ये 64GB की मैंने USB ली है वहाँ से, मॉल रोड से ही। ये स्कैनडिस्क ब्रांड की है। एंड और ये उन्होंने मुझे 1450 रुपीज़ में चार्ज किया। एंड गाइस आई हैव बॉट दिस पोर्टेबल ड्राइव, ये वेस्टर्न डिजिटल ब्रांड की है पोर्टेबल ड्राइव। तो गाइज ये वेस्टर्न डिजिटल ब्रांड की है, माई पासपोर्ट में 1 TB इसकी कैपेसिटी है। लेट अस अनबॉक्स इट नाउ। ओके, सो ये इसका फर्स्ट लुक है। ओ ये तो गिरने वाली थी मेरे से। सो गाइज दिस इज वेस्टर्न डिजिटल्स पोर्टेबल ड्राइव और बहुत ही क्यूट इसका ये डिज़ाइन है। इट इज़ सो एलिगेंट, इट्स सो क्लासी, ब्लैक कलर में। और ये 1 TB इसकी कैपेसिटी है। एंड देयर इज अ कनेक्टर हियर, ये आई थिंक USB टाइप सी है या क्या है, तो इसके थ्रू हम इसे अपने लैपटॉप वगैरह में कनेक्ट करेंगे। So guys, this is its cable. So guys, this is its cable. ये भी USB, I guess, USB 3.0 ही है. Guys, this is its manual. In Pakistan, its price is 8,000 rupees. पाकिस्तान में इसकी 8,000 rupees price है. तो 8,000 rupees में ये मैं drive लेके आया हूँ, portable drive, Western Digital की. और इसकी brand warranty यहाँ पे लिखी हुई है, थ्री ईयर्स की लिखी हुई है। वैसे उन्होंने मुझे लोकली 1 ईयर की दी है। एंड गाइस आई हैव बॉट दिस, ये दिस एक्सटर्नल केसिंग WD एलिमेंट्स, ये भी वेस्टर्न डिजिटल का है। आप अपनी जो इंटरनल ड्राइव्स होती हैं लैपटॉप की, फॉर एग्जांपल सार्टर ड्राइव है स्मॉल, तो उसको इंटरनल ड्राइव को एक्सटर्नल एंड पोर्टेबल ड्राइव बनाने के लिए केसिंग परचेज़ करते हैं। और ये वही केसिंग है, इसको भी हम अनबॉक्स करते हैं। इसकी प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ, 550 रुपीज़ वो मुझे कह रहे थे। एंड आई थिंक इसकी बिल में शायद 500 लिखी है या क्या है। तो गाइस ये इसकी केसिंग है, दिस इज़ इट्स केसिंग, जो कि अंदर से ऑब्वियसली एम्प्टी है, खाली है। और ये वो कनेक्टर जो उसके साथ हम अटैच करेंगे यहाँ से ये वाली साइड, और आपकी जो इंटरनल हार्ड ड्राइव होगी साटा हार्ड ड्राइव लैपटॉप की, उसको आप इसके साथ लिंक कर देंगे और यहाँ पे, और ऐसे से क्लोज़ करेंगे ऑब्वियसली इसके थ्रू। तो ये ऑलमोस्ट इस जैसी दिखेगी, एग्जैक्टली ये तो नहीं हो सकती क्योंकि आपकी वो हार्ड ड्राइव किसी और ब्रांड की होगी और ये वेस्टर्न डिजिटल की तो नहीं होगी, लेकिन आप यूज़ कर पाएंगे एज एक्सटर्नल एंड पोर्टेबल ड्राइव। और इसकी ये केबल इसके साथ। एंड गाइस आई हैव आल्सो बॉट दिस ग्लास प्रोटेक्टर, सैमसंग गैलेक्सी S7H का ये ग्लास प्रोटेक्टर। आजकल क्योंकि ओल्ड मॉडल हो गया और मेरे पास ये है एक पड़ा हुआ, तो ये इसकी प्राइस 200 है, वैसे 100 में मिल जाता है। सो गाइस ये लैपटॉप की रैम भी मैंने परचेज़ की है, 8GB रैम है ये। i7R सीरीज़ बोर्ड मेरे पास, i7R 6th जनरेशन है, 8GB रैम, 1600 MHz स्पीड है इसकी DDR3। और ये उन्होंने मुझे 4500 रुपीज़ की दी है, और ऑब्वियसली
ये यूज्ड कंडीशन में होती है। सो गाइज, मैंने दराज.pk से एक डेस्क फैन लैपटॉप के लिए वो भी ऑर्डर करवाया था। उस सेम डे को मैंने ऑर्डर करवाया था जब मैंने वो बाकी वीडियोस कैप्चर किए हैं, मैं उसी के साथ इसे ज्वाइन कर दूंगा। और अभी मुझे इसका पार्सल रिसीव हो गया। ये 900 समथिंग इसकी प्राइस थी, ऑलमोस्ट 1050 रुपीज़ मैंने उन्हें पे किए हैं। नाउ लेट्स अनबॉक्स इट। दराज, और इसकी प्राइस भी शो हो रही है आप लोगों को। ओके, देयर वी गो। सो गाइस, दिस इज द फैन, ओपोलर फैन इसको कहते हैं। और ये इसका बॉक्स है, ऑब्वियसली इम्पोर्टेड है। ये मेरे ख्याल से चाइनीज़ है, शायद चाइनीज़ जापानीज़ ऐसा कुछ। देयर वी गो। सो दिस इज़ द फैन जो इसके अंदर था, और मैंने इनसे ब्लैक कलर मंगवाया था, आई वांटेड ब्लैक कलर, और ये ब्लैक नहीं है। तो फर्स्ट थिंग के दराज वाले जो है आपको कलर कोई भी भेज देते हैं, आप उन्हें कलर कोई भी बताएं तो वो डिफरेंट बहुत भेजते हैं। ये चीज़ बड़ी बुरी है दराज.pk की। बाकी एटलीस्ट चीज़ एग्जैक्टली सेम आ गई है, यही चीज़ मैंने देखी थी। और ये वो कह रहे थे कि ये स्टील बॉडी है, एल्युमिनियम इसके ब्लेड्स हैं, ये जो अंदर हैं यू कैन सी द शाइन, एल्युमिनियम ब्लेड्स हैं और स्टील बॉडी है, नॉट प्लास्टिक। और ये इसकी बैक साइड है, यहाँ पे ये ऑन ऑफ का बटन भी है इसमें, ये इसमें ऑन ऑफ का बटन है इसका। और ये USB फ़ैन है, सो यू कैन जस्ट ऑपरेट इट थ्रू USB पोर्ट ऑफ योर लैपटॉप, या फिर अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे मेनली यू यूज़ इट विद योर लैपटॉप। एंड यू नो व्हाट, ये ऐसे इसको हम रखेंगे टेबल पर या डेस्क पर, तो ये रोटेट भी हो सकता है 360 डिग्रीज आई गेस। और यही वो कहते हैं कि टोटली ऑपोजिट यहाँ पे, या फिर 180 डिग्रीज आई गेस वो कहते हैं, या कम्प्लीटली घूमता है। ओके, तो वाकई में 360 डिग्रीज ये घूम जाता है, इट इज़ रोटेटेबल 360 डिग्रीज। ये इसकी अच्छी फीचर है। और फैन स्पीड इसमें एक ही मोड है, दो मोड्स नहीं है फैन स्पीड के, सो इट इज़ गुड। सो गाइज, आई प्लेस्ड दिस फैन ऑन माई लैपटॉप, बस आपको चला के दिखाने के लिए। इसकी अच्छा, इसके जो ब्लेड्स हैं वो एल्युमिनियम के हैं, नॉट प्लास्टिक, इवन द बॉडी इज़ नॉट प्लास्टिक, स्टील बॉडी। और लैपटॉप तो मेरा इस वक्त ऑफ है, मैं इसको अडेप्टर पर कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ, चलता भी है या नहीं वो भी मैं भी चेक कर लेता हूँ। सो गाइस, ऑफ है इस वक्त, और अभी मैं इसको ऑन करने वाला हूँ। आई विल प्रेस ऑन वन बटन जो है, लेट्स सी। ओके, कूल, यू कैन सी इट्स वर्किंग। और इसकी जो विंड है, इसकी जो हवा है, वो काफ़ी अच्छी है यार। यानी एक बंदे के लिए जो लैपटॉप यूज़र है, वो अगर इसको डेस्क पर रखेगा अपने साथ, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है ऑब्वियसली। यस, इट इज़ कूल। लेकिन इसके दो स्पीड मोड्स नहीं है। वैसे अगर आप अली एक्सप्रेस पर, अली बाबा पर, या अमेजोन ईबे पर चेक करें इसी फ़ैन को, सेम फ़ैन को, ओपोलर को, तो उसमें वो टू स्पीड मोड्स भी देते हैं, थ्री स्पीड मोड्स भी देते हैं। पर जो ये मैंने ऑर्डर करवाया इसमें एक ही है, लेकिन इट जस्ट कॉस्ट यू 1050 रुपीज़। सो बजट में, एंड इट इज़ गुड वन। वैसे आपको प्लास्टिक बॉडीज़ में भी मिल जाते हैं, जो कि 250 में, 300 में मिल जाते हैं मार्केट से, लेकिन वो प्लास्टिक बॉडी होते हैं, उसके फ़ैन भी प्लास्टिक के होते हैं, बॉडी भी प्लास्टिक में होती है। So guys, hope this video was informative, and if you liked it, do subscribe to my channel, and see you guys in next video. Yeah.